मांस रेस्टोरेंट पे पाए लाजवाब जायका, अपने मनपसंद खाने का स्वाद, वेज नॉन वेज की स्पेशल वैरायटी, चाइनीज मुगलाई फैमिली रूम भी अवेलेबल। यही नहीं, स्वीट एंड बेकरी में काजू की बनी अलग अलग वैरायटी के गिफ्ट, मिठाइयाँ, दूध और मावा मिठाइयाँ, हलवा, बाद स्पेशल, नमकीन, केक और भी बहुत कुछ। मिठाइयों का मैन्युफैक्चर पाए 10% का डिस्काउंट। मास रेस्टोरेंट स्वीट एंड बेकरी पे आए खाने और स्वीट का स्वाद पाए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के तनवर नगर में आज सुबह एक साथ 5 दुकानों में चोरी की खबर सामने आई है। इस चोरी की घटना से दुकानदारों में काफ़ी दहशत का माहौल बना हुआ है। एक साथ 5 दुकानों का ताला तोड़कर चोरी हुई है। कोकण मेडिकल स्टोर का शटर तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। इसके अलावा भुक्कड़ फास्ट फूड और परफेक्ट हेयर कटिंग सैलून और एक मोबाइल शॉप और एक डॉक्टर आशिर इनामदार के क्लिनिक का भी ताला और शटर तोड़कर चोरी की घटना हुई है। भुक्कड़ फास्ट फूड, इनामदार क्लिनिक और परफेक्ट हेयर कटिंग, ये तीनों दुकानें एक दूसरे से लगकर बनी हुई हैं। भुक्कड़ फास्ट फूड के मालिक आशिफ सैयद ने बताया कि 10,000 रुपया कैश था जो चोरी हुआ है। मेरा नाम आसिफ सैयद है। रात में यहाँ पे दुकान का ताला खोल के तकरीबन 4 से 5 के बीच में हुआ है सुबह, और सिर्फ कैश लेके गया हुआ है। अरे मेरी पर्सनल यूज़ की घड़ी एक थी, वो लेके गया। बाकी कोई चीज़ को ना डैमेज किया और ना कोई चीज़ को हाथ लगाया गया, बस जैसी की चीज़ें वैसी रखी गई है। सिर्फ कैश उसमें गला को तोड़कर उसमें कैश लेके गया हुआ है। बाकी और कैश तकरीबन 10,000 रुपये था इसमें जी। बाकी चिल्लर में यहाँ गली में 3 से 4 दुकानों में चोरी की घटना सामने आई है। आप लोगों ने कुछ कंप्लेंट वगैरह की है? नहीं, कंप्लेंट इसलिए नहीं की क्योंकि लास्ट टाइम भी आगे कुछ दुकानों में चोरी हुई थी, बट उसके ऊपर कुछ एक्शन प्रॉपर हुआ नहीं था। और फिर वो पुलिस के प्रोसीजर्स की वजह से और टाइम वेस्ट होता है और कुछ रिजल्ट आता नहीं है, इसकी वजह से कुछ आगे और इतना कुछ खास बड़ा नुकसान हुआ नहीं था जिसकी वजह से जाके बोला गया, कंप्लेंट किया जाए, इसकी वजह से नहीं किया गया। वहीं क्लिनिक के डॉक्टर आसिर इनामदार ने बताया कि ताला तोड़कर चोरी हुई है, मगर क्लिनिक में कुछ था नहीं, सिर्फ गले में 1,000 रुपये था, वही चोरी हुई है। इसी तरह परफेक्ट हेयर कटिंग से भी चोरी की बात सामने आई है। परफेक्ट हेयर कटिंग सैलून में रहने वाले जहीर शेख ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। क्या नाम है आपका? जाहिद नाम है मेरा, परफेक्ट सैलून से। क्या चोरी की घटना क्या हुई? चोरी घटना, मैं सुबह जब आया ना 8 बजे तो मेरा ताला टूटा हुआ था, तो बाजू में पता चला कि मतलब चोरी हुई है। और मेन लाइन में 5 दुकान का ताला टूटा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चोरी नहीं हुई मेरी। गल्ला से सिर्फ थोड़ा बहुत चोरी हुआ है और सामान वामान कुछ चोरी नहीं हुआ है। क्या थोड़ा बहुत मतलब क्या चोरी हुआ? वही 100-200 ऐसे चोरी हुआ है गले में से, और सामान वगैरह कुछ नहीं चोरी हुआ। कंप्लेन वगैरह कुछ किए आपने? कंप्लेन वगैरह नहीं किए, कंप्लेंट इसके पहले भी किए थे, गली में चोरी हुई थी तो एक्शन नहीं हुआ उसके लिए। इसलिए अभी हम लोग डॉक्टर साहब, हम लोग सब लोग ये किए कि अभी नहीं करेंगे, देखेंगे बाद में इंशाल्लाह। वहीं कोकण मेडिकल स्टोर का शटर तोड़कर भी चोरी हुई है, मगर कैश पैसे मेडिकल स्टोर में नहीं थे, सिर्फ 1,000 रुपये तक गले में थे जो चोरी हुई है। और एक मोबाइल दुकान का शटर का ताला तोड़कर चोरी की घटना की कोशिश की गई, मगर किसी कारणवश चोर दुकान में नहीं घुस पाए, वरना इनके दुकान में लैपटॉप मोबाइल फ़ोन थी, सब इनकी चोरी हो जाती। कोकण मेडिकल के तौफीक इनामदार और मोबाइल शॉप चलाने वाले आसिफ अंसारी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। तौफीक इनामदार। तौफीक, क्या चोरी क्या हुई आपके? दरअसल पैसा गया थोड़ा। कितना? तकरीबन जो छुट्टा हम लोग रात में रखते हैं 1,000 रुपये के करीब था, वो चला गया। इसके अलावा मेडिकल स्टोर से और भी कुछ चोरी हुआ है सामान? नहीं, काफ़ी हम लोग ने चेक किए, कुछ खुला हुआ नहीं था, सब सामान पैक था। सिर्फ जो हमारा जो गल्ला जो है वो खुल रहा था, तो बाजू वाला ड्रॉ खुल रहा था। इसमें पता कैसे चला आपको कि चोरी की घटना हुई है? सुबह सुबह फ़ोन आया था मुझे तकरीबन 6:30 बजे। नहीं, हमारा जो शटर पूरा उखाड़ा हुआ है, बीच में से पकड़ के खींचा हुआ ऊपर तक, आधा शटर खुला था। तो लोगों जो सुबह में नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो उनमें किसी का फ़ोन आया था मुझे कि भाई आप लोगों का दुकान में चोरी हुई, शटर खुला हुआ है। तो इसके लिए आपने कंप्लेंट वगैरह कुछ की है? अभी फ़िलहाल तो कंप्लेंट नहीं हुई है। कंप्लेंट ना करने की वजह तो नहीं पता सकता। क्या नाम है? मेरा नाम आसिफ है। तो क्या घटना क्या हुई थी यहाँ पर? घटना यहाँ पर ये हुई है कि रात में जब हम लोग चले गए यहाँ से ताला मार के,
तो वो पता नहीं कितने बजे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जब सुबह में मेरे को कॉल आया मेरे भाईजान का कि दुकान का ताला टूटा हुआ है और सामने की तीन दुकान और सामने की एक मेडिकल वो सब के शटर उखड़े हुए थे। अब मैं जब आके देखा हूँ मेरी दुकान में तो मेरा ताला खुला हुआ था और मैं जब शटर उठाया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो कुछ सामान गया नहीं, लेकिन अगर मेरा कुछ सामान चले जाता तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता था, बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो जाता था, क्योंकि मेरी मोबाइल की दुकान है और एक मोबाइल भी चले जाता, अगर एक मोबाइल भी चले जाता तो 40 से 50 हज़ार रुपये तक का खर्चा आ जाता। वैसे मेरे पास कम से कम 100-150 मोबाइल पड़े हुए कस्टमर हो गए, तो मेरी तो कहानी ख़त्म हो जाती थी भाई। मेरा शटर का ताला तोड़ दिए और लेकिन कोई उठा नहीं पाया उसको। कुछ कंप्लेंट वगैरह आपने किया? नहीं, कंप्लेंट तो नहीं किए अभी हम लोग ने, कंप्लेंट करने जाने वाले थे लेकिन मना ही हो गई कि मतलब कंप्लेंट करके कुछ मिलने वाला तो है नहीं, कुछ हासिल तो है नहीं, तो कंप्लेंट करके खाली हम लोग को सताया ही जाएगा और कुछ भी नहीं। ठीक, आप आओ वहाँ पर घड़ी घड़ी आओ यही बोला जाएगा बस, इसके वजह से हम लोग कंप्लेंट नहीं कर पाए। यानी कि किसी भी दुकान से सामानों की चोरी नहीं हुई है, सिर्फ गल्ले में जो पैसा था वही चोरों ने चुराया है। हैरानी की बात यह है कि कोई भी इनमें से पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए राजी नहीं है, और क्यों राजी नहीं है आपने खुद इन्हीं की जुबानी सुनी है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम।